हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंटेल स्टडीज़। मेरा नाम है सुशील कुमार, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर एंड एमटेक फ्रॉम सीएसआईआर सीरी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि एक सीएसआईआर की लैब है पिलानी राजस्थान में। और मैं लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत हूँ वर्तमान में गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बरेली में। तो हमारा नया कोर्स है एक माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन नाम का सब्जेक्ट है, जो कि डिप्लोमा कई डिप्लोमा क्लासेस में चलता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, और बीटेक की क्लासेस में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और भी कई सारे ब्रांचेस में ये चलता है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। तो पहला लेक्चर है हमारा बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको लर्निंग आउटकम्स दिखाता हूँ। इस लेक्चर की लैंग्वेज जो है वो हिंदी रहेगी, और जो आपको कंटेंट दिख रहा है वो इंग्लिश में दिखेगा, जिससे कि दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए सुविधाजनक रहे और वो सीख सके यहाँ से कुछ। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आपको कंटेंट के साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी सुनना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से नोट्स बना पाएंगे। तो अगर इस लेक्चर के लास्ट में आप क्या क्या सीख पाएंगे इस लेक्चर से, तो वो लर्निंग आउटकम्स कहा जाता है उसको। तो इस लेक्चर के अंत में आपको ये कर सकते हैं, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज़ अ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, और माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें आप इस लेक्चर के अंत तक जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जान लेते हैं कि कंटेंट्स क्या हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, यानी माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से मेजर ब्लॉक्स होते हैं, फिर उस माइक्रो कंप्यूटर में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं, तो कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंबाइंडली बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस को कैसे डिफाइन करेंगे, आउटपुट डिवाइस को कैसे डिफाइन करेंगे, और कैसे हम पहचानेंगे कि ये इनपुट डिवाइस हो सकती है या आउटपुट डिवाइस होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत। फिर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, और एक जो जनरल क्वेश्चन जो आपको लगभग आप कहीं भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंटरव्यू में, तो आपसे ज़रूर ही पूछा जाएगा, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट माइक्रो प्रोसेसर है तो आपसे पूछा जाएगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो मेनली हम यहाँ पर जो कवर करेंगे माइक्रो प्रोसेसर, वो रहेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो कंट्रोलर जो कवर होगा आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में वो 8051 माइक्रो कंट्रोलर अगर हम डिस्कस करेंगे कहीं तो उसी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले हेडिंग से, जो है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी डिवाइस है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और डिजायर्ड आउटपुट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या क्या होता है, तो सबसे मेन जो इसका कंपोनेंट है वो है माइक्रो प्रोसेसर। इसके अलावा इसमें क्या होता है, मेमोरी होता है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जिनको कंबाइंडली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंबाइंडली बोलते हैं पेरिफेरल्स, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर को जनरली हम लोग क्या कह देते हैं कि ये CPU है, CPU इसका फुल फॉर्म है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसमें और माइक्रो प्रोसेसर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि अभी हम आगे वाली स्लाइड में बताएंगे, लेकिन अभी कभी भी आपको जब पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है तो जनरल टर्म्स में, ठीक है, लोग CPU और माइक्रो प्रोसेसर को एक ही चीज़ मानते हैं, जबकि ऐसा है नहीं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो क्या डिफरेंस है वो अभी हम आगे बताते हैं। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर और CPU ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो अब इसका नाम में देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कहाँ से आया, तो आप लोगों सबको पता है कि जब 1960s में 1960 के दशक में जब कंप्यूटर बना था पहला कंप्यूटर, तो वो कंप्यूटर का साइज एक कमरे के बराबर था। फिर उसी टाइम पे 1956 के आसपास जब
ट्रांजिस्टर की खोज हुई तो धीरे धीरे जो कंप्यूटर का साइज था वो छोटा होता चला गया, ठीक है। और आजकल तो इतना एडवांसमेंट है कि आप लोग देखते हैं कि छोटे से डिवाइस में, जिसको मोबाइल हम बोलते हैं, उसमें एक नहीं कई कई प्रोसेसर लगे होते हैं। क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, इस तरह का नाम आप सुनते होंगे। तो उसका मतलब यह है, क्वाड मीन्स होता है चार और ऑक्टा मीन्स होता है आठ, यानी कि आठ प्रोसेसर्स एक छोटे से मोबाइल के अंदर लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी डिवाइस जो पहले कमरे भर की होती थी अब एक छोटे से मोबाइल में ही आ जा रही है। तो इसलिए वहां पे जब साइज रिड्यूस हो रहा था तो उस टर्म को उन्होंने माइक्रो के नाम से बोला कि ये माइक्रो यानी बहुत छोटा सा डिवाइस है, तो माइक्रो कंप्यूटर बोला गया उस टाइम पे, ठीक है। तो माइक्रो वाली चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, ये है ब्लॉक डायग्राम माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का। तो अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि क्या क्या होता है, तो हमने अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं। कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और माइक्रो प्रोसेसर के साथ में मेमोरी अटैच्ड होती है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है इसका, जिसमें कि हम देखते हैं कि यहाँ पे इनपुट है, ये इनपुट है, ये माइक्रो प्रोसेसर है यहाँ पे, ये आउटपुट डिवाइस है और ये मेमोरी डिवाइस इससे कनेक्टेड है। तो ये एक जनरल ब्लॉक डायग्राम है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का, ठीक है। अब आगे हम एक एक चीज को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि कौन सी चीज क्या है। तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट मीन्स होता है कि डेटा को इन कराना किसी कंप्यूटर या सीपीयू में। तो वह डिवाइस जो कि किस चीज को, इंस्ट्रक्शन को या डेटा को, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को देती है, ठीक है। इंग्लिश में आप पढ़ लेंगे, इसी तरह से मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि वो डिवाइस जो इंस्ट्रक्शन या डेटा, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, केवल डेटा ही बोलना सफिशियंट नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन भी बोलेंगे और डेटा भी बोलेंगे। इंस्ट्रक्शन या डेटा को माइक्रो कंप्यूटर को देती है, उसको बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? माउस, ठीक है। किसी भी डेस्कटॉप या कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि एक माउस होता है, जिससे जिससे जब हम चलाते हैं तो कर्सर, ये कर्सर जो है, ये वाला, ये कर्सर चलता है, तो ये माउस की हेल्प से चलता है। लैपटॉप में इनबिल्ट माउस होता है, लेकिन डेस्कटॉप में अगर आप देखेंगे तो अलग से माउस होता है। फिर आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड जिसमें बहुत सारी कीज होती हैं, बहुत सारे अल्फाबेट नंबर्स लिखे होते हैं, जिसमें हम जो भी नंबर इन प्रेस करते हैं वो वहाँ पे छप जाता है, ठीक है। तो ये कीबोर्ड डेस्कटॉप में आपने देखा होगा अलग से रखा होता है, और लैपटॉप वगैरह में इनबिल्ट कीबोर्ड रहता है। फिर आता है नेक्स्ट इनपुट डिवाइस, स्कैनर। स्कैनर से क्या करते हैं आप? स्कैनर से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे वहां पे, तो उसके बाद वो हमारा कंप्यूटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट डिवाइस। ऐसे ही एक पहले होता था जॉयस्टिक, जो कि आप लोगों ने अभी गेम्स वगैरह जब खेलते हैं तो देखा होगा, एक स्टिक होती है जिससे आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे चलता है, तो उसको जॉयस्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो जिस डिवाइस से डेटा या इंस्ट्रक्शन को इन किया जाता है, यानी कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है, उन डिवाइसेस को बोला जाता है इनपुट डिवाइसेस। आई होप इट इज क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस हैं जिनसे रिजल्ट हमें प्राप्त होता है माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम के बाद, यानी कंप्यूटर में कोई चीज हमने इनपुट कराई तो वो डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर गया, उस डेटा या इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, कि उस पर क्या होना है। जैसे हमने कुछ डेटा को, जैसे हम कुछ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कि जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल EXAMPLES, तो ये हमने एक एक करके एंटर किया, लेकिन ये पूरा एक जगह लिख गया, तो ये हो गया पूरा डेटा। फिर ये डेटा कहीं पे डिस्प्ले होगा, कहीं पे दिखेगा, तो जहां पे हमको दिखता है वो हो जाएगी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर इसी डेटा को हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट कर सकते हैं। तो जिस डिवाइस से प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रिंटर, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। फिर एक और आउटपुट डिवाइस होती है प्लॉटर, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कुछ टाइम पहले तक इसका वाइडली यूज होता था। तो ये है प्लॉटर, जैसे हमने किसी भी चीज को किसी भी प्लॉट करना है अगर, तो हम प्लॉटर नाम के डिवाइस का यूज करते थे। कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है अगर, तो हम प्लॉटर नाम के डिवाइस का यूज करते थे। तो आई होप आउटपुट डिवाइसेस क्लियर हो गए। तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस को कंबाइंडली बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइसेस।
नेक्स्ट अब चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर पे। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर इज द मेन पार्ट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसी भी माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या होता है, तो वैसे तो सारी चीज़ें मेन हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है, तो वैसे तो सारी चीज़ें मेन हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें भी क्या है? ब्रेन। क्योंकि ब्रेन ही सब पे कंट्रोल करता है और ब्रेन ही सबको कमांड देता है, कि हाथों कमांड देगा कि ये अब ये करना है, पैरों कमांड देगा कि अब चलना है, आंखों को कमांड देगा कि अब इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसी तरह से अगर कंप्यूटर में हम बोलें कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वही सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है, और जितनी भी कंप्यूटर की यूनिट्स होता है उन पे कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है और उनको सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि सारी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट रखना और कब कौन सी डिवाइस क्या करेगी ये बताना, ये माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। ठीक है, तो इसके मेन काम क्या होते हैं? इट्स मेन टास्क इज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। जैसा हमने बताया कि इसका सबसे मेन काम जो है वो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, टेम्परेरली डेटा को स्टोर करना है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो रहा है तो टेम्परेरली डेटा को, यानी कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर भी यही करता है, और टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स को भी माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न पार्ट्स तक भेजता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के मेन काम है। आगे चलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू, मैंने बताया था कि दोनों को जनरली सेम चीज़ें कहा जाता है, कि ये सीपीयू है या ये माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप की आईसी होती है। ठीक है, यानी एक ही आईसी में पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर फैब्रिकेटेड रहता है। लेकिन सीपीयू में क्या होता है? सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और कुछ सपोर्टिंग चिप्स भी होती हैं और कुछ लॉजिक गेट्स भी होते हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर एक ही चीज़ नहीं है, इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल चिप की आईसी में वो होता है, इनबिल्ट होता है या फैब्रिकेटेड होता है, और सीपीयू क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही होता है, और उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग चिप्स रहती हैं और लॉजिक गेट्स रहते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो बेस्ड डिवाइसेस क्या क्या हैं, यानी माइक्रो बे प्रोसेसर किस किस डिवाइस में लगा होता है? तो आपके जितने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं सब में माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जितने भी लैपटॉप्स हैं उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, टैबलेट्स हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, मोबाइल फ़ोन में भी माइक्रो प्रोसेसर होता है, और स्मार्ट वॉचेस इनमें भी माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो आई होप माइक्रो प्रोसेसर क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या अंतर है? कि माइक्रो कंट्रोलर एक माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन वो एक ही चिप पे फैब्रिकेटेड हुआ माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर है, सॉरी। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? कि उसमें माइक्रो प्रोसेसर होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और मेमोरी होंगी, लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेज अलग होती हैं, मेमोरी अलग होती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है? कि सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के, वो एक ही चिप पे फैब्रिकेटेड होते हैं। तो ऐसी डिवाइस को बोलते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर। तो क्या, किस लिए बनता है ये आखिर? तो इसको जो है छोटे छोटे स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है माइक्रो कंट्रोलर्स को। ठीक है, तो ऑल द यूनिट सच एज सीपीयू, मेमोरी, आईओ पोर्ट्स, ये जितनी भी यूनिट्स लिखी हुई हैं इसमें, मेमोरी, सीपीयू, आईओ पोर्ट्स, टाइमर एंड काउंटर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये जो ए और डी लिखा है, A/D, इसका पूरा फुल फॉर्म है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और यहाँ जो D/A लिखा है ये है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सीरियल पोर्ट्स, इंटरप्ट लॉजिक, ऑसिलेटर सर्किटरी एंड अदर फंक्शनल ब्लॉक्स, ये सारे के सारे एक ही चिप पे फैब्रिकेटेड रहते हैं माइक्रो कंट्रोलर के केस में। और माइक्रो प्रोसेसर के केस में क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर अलग होगा और ये सारी चीज़ों की आईसी जो हैं अलग से लगी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किट्स के? तो माइक्रो कंट्रोलर जिन जिन सर्किट्स में या जिन जिन डिवाइसेस में होता है उसके एग्जाम्पल्स हैं एयर कंडीशनर जिसको AC बोलते हैं, जो कि हमारे वातावरण को
हमारे अनुकूल बनाता है। मान लो बाहर का टेम्परेचर 42 डिग्री है, तो एयर कंडीशनर क्या करेगा, एक रूम का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मेंटेन कर देगा। आप जितना भी टेम्परेचर चाहोगे, 18 डिग्री या 16 डिग्री से लगा के 30 डिग्री के बीच में कोई भी टेम्परेचर आप सेट कर दो, तो एयर कंडीशनर उस टेम्परेचर पे वर्क करने लगेगा और रूम का टेम्परेचर उतना मेंटेन कर देगा। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर या जिसको फ्रिज भी बोलते हैं घरेलू भाषा में, तो फ्रिज क्या करता है, आप खाने पीने की जो भी चीज़ें फ्रिज में रखते हैं तो वो सारी फ्रिज में स्टोर हो जाती हैं, और फ्रिज जो है उन चीज़ों का टेम्परेचर काफ़ी कम कर देता है, जिससे जो बैक्टीरिया का ऑपरेशन होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें ज़्यादा देर तक चल जाती हैं, यानी खराब नहीं होती जल्दी। वॉशिंग मशीन नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो वॉशिंग मशीन क्या है, वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोते हैं। तो ये दो टाइप की हो सकती हैं, कोई भी टाइप की वॉशिंग मशीन हो, सब में माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। एक सेमी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन होती है और एक फुल्ली ऑटोमेटेड होती है। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटेड में क्या होता है कि कपड़े एक सेक्शन से उठा के दूसरे सेक्शन में डालने पड़ते हैं, जबकि फुल्ली ऑटोमेटेड में क्या है, आपने एक बार कपड़े डाल दिए, सब कुछ डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके बाद आपको कुछ मतलब नहीं है, कपड़े जब पूरा सूख के बाहर निकलते हैं। ठीक है, फिर अदर मेडिकल डिवाइसेस, तमाम तरह की मेडिकल डिवाइसेस होती हैं जिनमें ऑटोमेशन चाहिए होता है, यानी ऑटोमेशन मीन्स अपने आप चीज़ें काम करें, तो वहाँ भी माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज़ होता है। और एग्जांपल्स क्या क्या हैं, रिमोट कंट्रोल्स। ठीक है, आजकल बहुत ऐसे रिमोट आने लगे हैं, पहले तो आईआर या इंफ्रा रेड बेस्ड रिमोट आते थे कि आप एकदम लाइन में ले जाएंगे टीवी के तभी वो काम करेगा, लेकिन आजकल क्या है, वाईफाई बेस्ड रिमोट आते हैं कि आप कहीं भी घर के किसी कोने में भी हैं, टीवी किसी भी कोने में रखा हुआ है, तो आप उस रिमोट से टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनमें भी माइक्रो कंट्रोलर्स लगा होता है। ठीक है, फिर पावर टूल्स। पावर टूल्स का मतलब क्या है, कुछ ऑटोमेटेड पावर टूल्स होते हैं कि उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दे दो, कुछ चीज़ें ऐसी हमने दे दी कि वो अपने अंदर उसको सेव कर लेगा और फिर उसी हिसाब से काम करता रहेगा, चीज़ों को काटता रहेगा, ड्रिल करता रहेगा। ठीक है, और फिर कुछ आजकल एडवांस टॉयज आते हैं, बच्चों के खेलने वाले खिलौने जो होते हैं, उनमें भी माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। तो आई होप माइक्रो कंट्रोलर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये आपके किसी भी वाइवा वाइस में, किसी भी इंटरव्यू में, इनफैक्ट एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मैं इसको कंपैरिजन करके एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको, क्या माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो ये एक जनरल पर्पस डिवाइस है। जनरल पर्पस का मतलब क्या है कि किसी भी टाइप का काम अगर हमें करना है तो एक ही डिवाइस से हो जाए, तो वो उसमें लगा होगा माइक्रो प्रोसेसर। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, हम गाना सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, ऑडियो कट कर सकते हैं, बहुत सारे टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। तो ये हो गया एक जनरल पर्पस डिवाइस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया जनरल पर्पस डिवाइस। फिर माइक्रो कंट्रोलर की बात अगर करें तो कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है। जैसे कि मान लो एक रेलवे पे आपने क्लॉक देखी होगी, बड़ी सी डिस्प्ले क्लॉक, तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े से एलईडी लगे होते हैं बल्ब, छोटे छोटे से, और वो बड़ा बड़ा सा डिस्प्ले दिखता है, तो उसमें माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है। या एसी है, तो एसी का काम कितना है कि एक टेम्परेचर सेट किया हमने, उस टेम्परेचर तक ही उसको मेंटेन करना है, तो ये एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। ठीक है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर एक स्पेशल पर्पस डिवाइस है। तो और माइक्रो प्रोसेसर में देखते हैं, इट डज नॉट हैव ऑन चिप मेमोरी, यानी अगर माइक्रो प्रोसेसर किसी चिप पे फैब्रिकेटेड है तो उस चिप में मेमोरी फैब्रिकेटेड नहीं रहती है, यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी नहीं होती है। अब आप ये मत समझिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी नहीं होती तो रजिस्टर्स कहाँ से आ गए, रजिस्टर वगैरह जो होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, रजिस्टर भी एक टाइप की मेमोरी है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो टेम्परेरीली जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है तो टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी नहीं होती माइक्रो प्रोसेसर चिप में। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या है कि इसमें मेमोरी चिप पे ही होती है, जिस चिप पे माइक्रो कंट्रोलर फैब्रिकेट होता है उसी चिप पे मेमोरी भी होती है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, इट अलॉन्ग विद मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर। तो अगर इसमें माइक्रो प्रोसेसर में हम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगा दें तो इसको बोलेंगे हम माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर क्या है कि एक सिंगल चिप का माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर है। ठीक है, यानी इसमें किसी अलग से इनपुट आउटपुट मेमोरी और ये दुनियादारी की जरूरत नहीं है, ये खुद में ही माइक्रो कंप्यूटर है, सिंगल चिप माइक्रो कंप्यूटर है। और देखिए क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर में रैम होती है,
ठीक है, ज़्यादा रैम होती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, बहुत कम रैम होती है, और इनफैक्ट कि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, तो इसमें ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, ज़रा सी रैम में ही काम हो जाता है, क्योंकि इसको कुछ स्पेशल टास्क ही परफॉर्म करने रहते हैं, तो उतने टास्क के लिए बहुत कम रैम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज डिवाइस है, कोई भी काम इससे किया जा सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में इट हैज़ अ वेरी वाइड इंस्ट्रक्शन सेट, यानी इसका इंस्ट्रक्शन सेट जो है प्रोग्राम करने के लिए, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल पर्पस डिवाइस है, तो बहुत तरह की चीज़ें कर सकता है, इसलिए इसको प्रोग्राम करने के लिए बहुत टाइप की इंस्ट्रक्शंस की भी ज़रूरत होती है। और माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या होता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन सेट इसका जो है वो बहुत इस्तेमाल होता है, यानी इसमें कुछ एक स्पेशल टास्क अगर ये परफॉर्म करेगा, तो उसी टास्क के लिए जो इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, वो वाली इंस्ट्रक्शन हम लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम रिक्वायर मोर हार्डवेयर, तो जैसा कि ऑब्वियस सी बात है कि पहला स्टेटमेंट जो हमारा था, वहीं से सब कुछ ड्रॉ हो रहा है कि एक जनरल पर्पज डिवाइस है, तो इसमें ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत सारे काम कर लेगा। और यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, चूँकि एक स्पेशल पर्पज डिवाइस है, तो इसलिए इसको ज़्यादा हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसका काम भी बहुत लिमिटेड है। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो है इसके डिज़ाइन जो है वो मोर फ्लेक्सिबल है। ठीक है, यानी इसको हम किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, लेस फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस काफ़ी कम है कि हम इसको इस तरह से डिज़ाइन ना करके उस तरह से कर लें, क्योंकि इसमें काफ़ी कम इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, तो हम किसी भी तरह से माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन कर सकते हैं। इट हैज़ सिंगल मेमोरी मैप फॉर कोड एंड डेटा, यानी इसमें क्या है, एक ही मेमोरी पे हम कोड और डेटा दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, यानी कोड भी लिख सकते हैं, प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, और डेटा भी स्टोर कर सकते हैं एक ही मेमोरी में। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के केस में क्या होता है कि कोड वाली मेमोरी अलग रहती है, और डेटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी होती है, वो दोनों अलग अलग होती है। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो प्रोसेसर में कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर किसी को याद हो, कि माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल मेमोरी नहीं होती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर चूंकि एक ही चिप में सब कुछ होता है, तो इंटरनल मेमोरी इसमें होती है। माइक्रो प्रोसेसर में इंटरफेसिंग सर्किट्स नहीं होते, टाइमर काउंटर्स नहीं होते। माइक्रो प्रोसेसर एक जो चिप होती है, इसमें केवल माइक्रो प्रोसेसर ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में उसी सेम चिप पर इंटरफेसिंग सर्किट्स भी होते हैं, टाइमर्स भी होते हैं, और काउंटर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा डिस्कशन। आई होप कि जितने भी हमने लर्निंग आउटकम्स लिखे थे, वो सारे के सारे फुलफिल हो रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंटेल स्टडीज। इससे क्या होगा कि आपको अगर कोई नया वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है, तो वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हैं, बीटेक के केस में, या इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा में है, कंप्यूटर के डिप्लोमा में है, उनके उसमें सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर नाम का सब्जेक्ट जरूर होगा, तो उसके लिए क्या करिए, आप उनको शेयर कर दीजिए। तो आपका भला तो होगा ही होगा, उनका भी भला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज ही एक ऐसी चीज़ है जो शेयर करने से बढ़ती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, शेयर करने से घटती हैं, लेकिन नॉलेज ऐसी चीज़ है कि शेयर करने से बढ़ती हैं। और हो सकता है कोई डाउट आपको आए और आपके फ्रेंड को ना आए, या आपके फ्रेंड को आए और आपको ना आए, तो आप शेयर जब करेंगे, तो वहाँ से ही चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर कोई डाउट है, तो कमेंट कर दीजिए उसी वीडियो के नीचे, मैं कमेंट देख लूँगा। आपके कमेंट अगर जेन्युइन होंगे, या डाउट जेन्युइन होगा, तो मैं उसको अगले वीडियो जब बनाऊँगा, तो उसमें डाल दूँगा कि हाँ, ये कमेंट आया था, और इस इसका ये जवाब है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर।